अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा कंटेंट कुछ चेंज है, लेकिन सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा बटन को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आज हम कोरोना वायरस के बारे में बात करेंगे। मैं अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। ये है मोहम्मद सलामुअलैकुम। तारिक। क्या लगता है आपको कि ये कोरोना वायरस है क्या असल में? कोरोना वायरस ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इम्तिहान जी है। बस इतना ही कहूँगा कि हम लोग गुनाहों के दलदल में फंस चुके थे। अल्लाह ताला हमें एक मौका दे रहा है कि सुधर जाओ, दीन के रास्ते पे आ जाओ। जी ये दुनिया मैंने खेल तमाशे के लिए नहीं, किसी और मकसद के लिए बनाई है, और वो मकसद है इम्तिहान। इस इम्तिहान में या तो इंसान कामयाब होगा या फेल हो जाएगा। कामयाब हुआ तो जन्नत है, और फेल हुआ तो अल्लाह माफ़ करे। फिर जैसे कि आपको पता है कि मस्जिद हरम और मदीना मुनव्वरा की मस्जिद और ज़ियारत बंद कर दी गई है, क्या ये फैसला सही किया गया है? सबसे पहली बात, हम इंसान मस्जिदों को बंद नहीं कर सकते। ये सब जो हो रहा है ये हमारी कोताहियां, हमारी गलतियां हैं। कि अल्लाह का घर है मस्जिद, खाने काबा, जहाँ पे हम मक्का में रहते हैं वहाँ खाना काबा है। यहाँ पे मदीना मुनव्वरा है जहाँ हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह ताला ने हमें वहाँ जाने के दरवाजे बंद कर रहा है, ये कोई इंसान नहीं करता। जब अल्लाह ताला इंसान से नाराज़ हो जाता है तो वो हमें अपने आप से दूर कर देता है। ये हमारी कोताहियाँ हैं। जितनी ज़्यादा हो सके अस्तग़फ़ार करें, रब के हुजूर माफ़ी मांगें, ताकि कोई वसीला निकले और अल्लाह ताला हम पे अपना रहम फरमाए। आपको क्या लगता है ये हमारे आमाल का दारोमदार है क्या इस चीज़ बिल्कुल, पे? हमारे ही हमारे हम अल्लाह से दूर हो रहे हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारे साथ रहे। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमने फ़राइज़ बिल्कुल ही भूल गए, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना बिल्कुल छोड़ दिया। तो ये तो हमारी अपनी कोताहियाँ हैं। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, ये तो अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हमें उम्मती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया। क्या हम उम्मती होने का हक अदा कर रहे हैं? ये सब हमारी अपनी कोताहियां हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये रमज़ान मुबारक अब बड़े महीने आने वाले हैं और शाबान है, उसके बाद ज़िलहज का भी महीना शुरू होने वाला है, क्या ये काबू पा जाएगा? दुआ तो यही है कि ये आज ही अल्लाह हमें इससे निजात दिला दे, हमारी आजमाइश ख़त्म हो जाए। लेकिन हमें अपने आमाल ठीक करने पड़ेंगे। अभी भी मैं देख रहा था पाकिस्तान की टेलीविज़न, इस टॉपिक के बारे में अभी भी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोई हल नहीं सोच रहा। जा जाके वीडियोस बनाई जा रही हैं, अपने आप को शो किया जा रहा है कि हम इस सिलसिले में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमारी आवाम के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, भाई बहुत मुश्किल है ये। दिल्लाए सुधर जाएं, घरों में रहें, नमाजें पढ़ें, अपने बच्चों को बचाएं, खुद भी अपनी हिफाजत करें। क्योंकि ये ऐसा खतरनाक वायरस है जो एक के साथ कई जिंदगियां ले जाता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या हमें एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए जिससे हम बच सकें? एक एहतियात, सबसे पहले अपने आप को संभालें। अगर आप, हर इंसान अपने आप को संभाले, हाथ धोए, गैर जरूरी बाहर ना निकले, सिर्फ काम और घर, इन दो चीज़ों तक अपने आप को महदूद रख लें। ना गली, ना मोहल्ला, ना अड़ोस पड़ोस, ना दोस्त यार। ये जब तक ये आफत टल नहीं जाती, अपने आप को बिल्कुल महदूद कर लें। क्योंकि ये वायरस जिस तेज़ी से फैल रहा है, करीब 8,000 लोग अभी तक इस वायरस से मर चुके हैं।
और ये वायरस का लेवल अभी तक ऊपर ही हो रहा है। जब इस वायरस का लेवल नीचे की तरफ आएगा तो हम थोड़ा बहुत सुकून का सांस लेने की कोशिश करेंगे कि अब ये हमने इस पे मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये वायरस का लेवल ऊपर ही जा रहा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फैल रहा है, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। घर में भी जब जाएं तो जाते ही कोशिश करें शावर लेने, और कोशिश करें एक कपड़े को दूसरे दिन यूज़ ना करें, उसको धो लें, एहतियात करें। घर में अगर बच्चे हैं तो उनसे जाती गले लगाना, उनके गाल चूमना, ये चीज़ें ना करें, एहतियात करें, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। क्या हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल बदलना पड़ेगा, हमें तवाज़ुन रखना पड़ेगा दीन और दुनिया में। बहुत ज़्यादा दुनिया दुनिया में लग चुके हैं, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ। ठीक है, एंटरटेनमेंट करते हैं, हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, सॉन्ग्स वगैरह भी बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन हमें साथ में अपनी आखिरत भी संवारने की तरफ जाना पड़ेगा कि जी। अच्छा ठीक है, सही है। तो हमें नमाज रोजे की तरफ भी जाना पड़ेगा, सिर्फ दुनिया दुनिया में नहीं रहना। तो एहतियात करें, एहतियात बहुत जरूरी है, और इस सिलसिले में वायरस के सिलसिले में बहुत ज्यादा एहतियात करें। सवाल आपसे, बहैसियत मुसलमान आप और एक इंसानियत के तौर पर हर इंसान के लिए आपके क्या पैगाम है? पूरी दुनिया ने देख लिया, जब आफात आती हैं तो फिर कुछ नजर नहीं आता, न जमीन, न पैसा, न जायदाद, सिर्फ जिंदगियों की फिक्र है। तो दुनिया भर के हुक्मरानों से मैं यही अपील करूंगा कि खत्म करें ये एटम बम, असलहा, आपस में लड़ाई झगड़े, जमीन के चक्कर खत्म करें, इस दुनिया को एक अमन की जगह बनाएं। जो पैसा असलहे में लग रहा है उसको मेडिसिन में यूज़ करें, तालीम में यूज़ करें। तो ये बहुत अच्छा वक्त है कि इम्तिहान से हम गुजर रहे हैं, अल्लाह हमें इस इम्तिहान से कामयाबी से निकाले, और उसके बाद हमें ये मिलकर फैसला करना चाहिए कि क्या हमें असलहे की लड़ाई की ज़रूरत है या अमन और सलामती की ज़रूरत है। आज हम यहाँ पे अपना ये कोरोना वायरस के बारे में जो टॉपिक था ख़त्म करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगे हमारा कंटेंट। और ये एक नॉर्मल डिस्कशन थी बीच में जो हमने आपके साथ शेयर करी है, जो हर दुनिया में हर परेशानी फैली हुई है। तो प्लीज़ आप जो है मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा, कमेंट तो ज़रूर करिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारे घरों को आबाद रखा है, हमारे बच्चों को, हमारे शौहरों को, हमारे भाई बहनों, माँ बाप की सबकी हिफाजत करे, छोटे बच्चों की भी हिफाजत करे। या रब्बुल आलमीन, हम पे रहम फरमाना, और हमसे ज़्यादा आजमाइश मत लेना, और इसको अब हल कर देना। आमीन या रब्बुल आलमीन।